मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। ये लेक्चर और लेक्चर नंबर 13 में वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी लेक्चर को जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ बताई थी वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नंबर 12 और 13 दोनों रिपीट होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 है और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट ए, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये जो टॉपिक पढ़े उसमें पढ़ाया गया था और फलन का नाम था वहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि जब आप अवकलन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर साइन इनवर्स आता है और साइन इनवर्स सबसे पहली कंडीशन यही आती है कि अगर साइन इनवर्स चल रहा है और कोई भी इनवर्स चल रहा है, नाम ही फलन का आ रहा है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो हम कोई विस्थापन रखते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं, कोई रूपांतरण करते हैं और वो रूपांतरण इस सवाल को बहुत छोटा कर देगा। जैसे अब जनरली मैंने आपको बताया था कि अगर साइन आ रहा है तो जनरली हम साइन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो स्थितियाँ हमारे पास आ रही हैं ये हमेशा नहीं होती हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो हमारा बेसिक फंडामेंटल वाला जो वीडियो चल रहे थे उनके अंदर सारी डिटेल की बताई गई। तो पहले हम रख लेते हैं, यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन करते हैं, एक्स बराबर साइन थीटा। आप कॉस थीटा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन थीटा रख लेते हैं यहाँ पर। और वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, साइन इनवर्स आया 2 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका थीटा होता है उसका अंडर रूट करते हैं कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा और कॉस थीटा फार्मूला होता है, फार्मूला आपने याद कर लिए होंगे, और फार्मूला है साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल होगा साइन इनवर्स से, और ये वैल्यू हमारे पास आती है वाई स्क्वायर टू 2 थीटा। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है पुराना वाला कि वाई का फलन एक्स के रूप में यहाँ पर विद्यमान है जिसका हमें अवकलन करना है और यहाँ पर आ गया वाई बराबर थीटा, यानी वाई का फलन थीटा के सापेक्ष। तो ये चीज़ तो भाई क्वेश्चन तो चेंज हो चुका, क्वेश्चन हमको चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर हम वापस उसका प्रतिस्थापन रखते हैं कि हमने माना था एक्स बराबर साइन थीटा, ये हमने माना हुआ है, यानी देखिए माना अगर एक्स बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू यहाँ रखिए तो वाई इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसका अवकलन करेंगे तो समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आता है, वाई का तो हो गया डीवाई बाई एक्स, ठीक है, ये वाला वाई आ रहा है, वाई का डीवाई बाई एक्स हो गया, 2 कांस्टेंट है, 2 को यहाँ रखा, और साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट बी सेकेंड क्वेश्चन है इसी वही फर्स्ट का। अब इसमें देखिए सेम वही कंडीशन आ रही है 3x-4x³, तो 3x-4x³ में जब आप x की जगह पर कोई प्रतिस्थापन रखते हैं तो साफ दिख रहा है कि एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, और फार्मूला क्या है वो हम पहले यहाँ रख लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा। तो जैसे ही आप x बराबर साइन थीटा रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू डालिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन से ही साइन इनवर्स ये हटेगा और y इज इक्वल टू आ गया 3 थीटा, सेम कंडीशन, वहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है और अंतर इसमें कुछ नहीं, केवल अब ये प्रतिस्थापन रखना है। हमने माना था x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, ये नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
दो क्या वैल्यू आ रही है, देखिए वाई का अवलन कर रहे हैं वाई बाई एक्स आएगा, थ्री कॉन्स्टेंट है थ्री को ऐसे चीज रख दिया, साइन इनवर्स है साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, दिस इज योर आंसर और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नंबर सेकेंड का फर्स्ट, अब देखिए जो भी बच्चे एनसीईआरटी की बुक से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर माइनस है, ठीक है माइनस है तो माइनस वाला वो कॉन्सेप्ट इसमें गलत है, यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे तब ये क्वेश्चन सही होगा। और जिनको फॉर्मूले याद है तो उसको देखते ही बता देंगे, फिर कुछ बन रहा है और एकदम सिंपल फॉर्मूला बन रहा है, क्या बनेगा देखिए एक्स बना एक्स बराबर टेन थीटा, अगर हम यहाँ पर टेन थीटा रख देते हैं तो ये वैल्यू बनती है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये बन गया वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब टू टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा यहाँ आ गया, ठीक अब देखिए कॉस इनवर्स से साइन तो कैंसिल हो गई तो क्या करना पड़ेगा, इस साइन को कॉस बना दें वापस वही, तो दसवीं क्लास वाले जो रूल्स हमारे पास हैं जो दसवीं क्लास में हमें पढ़े थे, तो साइन थीटा इस पूरे को आप थीटा मान लो कि ये साइन थीटा है और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है दसवीं क्लास वाला फॉर्मूला है पूरा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा और 11th क्लास में इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है तो ये आपको याद भी होगा। अब इसमें वैल्यू डालें कि वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा है तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर टू थीटा चल रहा है तो यहाँ टू थीटा रख दिया, ठीक है अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होता है और बचता क्या है वाई बाई टू माइनस टू थीटा। देखिए कॉन्सेप्ट वही है सारा, बार बार वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो थीटा है फलन दिया गया था वाई का एक्स के सापेक्ष और हमने क्या प्राप्त किया वाई का थीटा के सापेक्ष, पर ये होगा नहीं क्योंकि थीटा के सापेक्ष आपको सवाल दिया ही नहीं तो हम इसको सवाल फल कैसे करेंगे, तो थीटा के मान को वापस रिप्लेस करना है और थीटा यहाँ पर हमने माना है एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है टेन इनवर्स एक्स आ गया, इस टेन इनवर्स को यहाँ रखें और ये वैल्यू बन जाती है वाई इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर भाई इसका आकलन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइव बाई टू है कॉन्स्टेंट है ना कॉन्स्टेंट का जीरो होता है पहले बता चुके हैं, तो ये काम होता माइनस टू एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये आंसर। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगला देखिए सेकंड का बी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन ये है। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन वापस साइन टू थीटा का बन रहा था, अगर यहाँ पे टेन रखते हैं इसके एरिया पे तो कॉस टू थीटा का बनेगा और ये सिंपल होगा पहले वाले से भी, तो यहाँ मान लिया कि माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा और ये वैल्यू जब इसमें पुट की जाती है तो कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है अब देखिए वैल्यू क्या आती है कॉस इनवर्स और ये बन जाता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा और यहाँ आ जाता है टू थीटा, वापस वही रिपीट हो रहा है सबका, एक्स हमने माना था टेन थीटा और थीटा की वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा और इसका जब डिफरेंशियल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है उनको छोड़ दिया जाएगा कॉन्स्टेंट है और टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये आंसर फिनिश। थर्ड ए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें भी देखिए साफ दिख रहा है कि 4x क्यूब माइनस 3x आ रहा है, तो जिन भी बच्चों को फॉर्मूले बिल्कुल याद है उनको देख के ही बता देंगे कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है तो यहाँ पर मान लेते हैं माना
x बराबर cos थीटा रख लो, हां cos थीटा रख लेते हैं, x बराबर cos थीटा रख दिया तो देखिए क्या बनता है, y is equal to cos inverse 4x cube है तो cos cube theta minus 3 cos theta, ठीक है, इस इमेजिनरी y is equal to cos inverse और ये बन जाता है cos 3 theta, cos c cos कैंसिल हो जाएगा, y is equal to 3 theta, अब theta की जगह वापस वही रिप्लेस करना है, हमने माना था x बराबर cos theta, theta is equal to cos inverse x, ये वैल्यू यहाँ डाल दी तो y is equal to 3 cos inverse x इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy by dx is equal to 3 कांस्टेंट है और cos inverse का होता है 1 upon minus 1 upon under root 1 minus x square, ठीक है, अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को जब आप देखते हैं यहाँ पर जो कंडीशन हमको दी गई है तो सबके दिमाग में यही आता है कि भाई हम कोई फार्मूला रख के देखें, कोई x की जगह पर वैल्यू रख के देखें, हो सकता है कोई फार्मूला बने, पर जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर आप कुछ भी रखते हैं डायरेक्टली कोई फार्मूला तैयार नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 plus cos 2 theta बताया था, अब आपको याद आ रहा होगा कि 1 plus cos 2 theta इक्वल होता है 2 cos square theta, है ना, बताया था, याद आ गया होगा कि 1 plus cos 2 theta इक्वल टू 2 cos square theta होता है, अब यही वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो हम यहाँ cos 2 theta भी ले सकते हैं x की जगह पर और cos theta भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों से हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि माना x बराबर cos 2 theta ये वैल्यू यहाँ रख दी तो y is equal to cos inverse under root 1 plus cos 2 theta upon 2, ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू डाल दी है, cos 2 theta मान लिया है क्योंकि 1 plus cos 2 theta किसके बराबर होता है, 2 cos square theta के बराबर होता है, ये वैल्यू यहाँ डाली और इसको सॉल्व किया तो 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta upon 2 होता है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट cos square theta बचा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ बचता है केवल theta, या एक स्टेप और ले लेते हैं जिसको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गया तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, cos inverse और cos theta, cos से ये cos कैंसिल होगा और y square theta होगा, ये नंबर आप ये अभी रिप्लेस करिए वैल्यूज की, तो हमने थीटा माना था x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर cos 2 थीटा है, आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, तो पहले cos इनवर्स आया, cos को इधर भेजेंगे, cos इनवर्स x हो गया 2 थीटा आ गया, अब ये दो हटाना है क्योंकि आपको थीटा सेपरेट करना है, थीटा ये क्यों हटेगा तो 1 बाई 2 cos इनवर्स x और इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ डाल देते हैं और आता है y is equal to 1 by 2 cos inverse x equation number first, इसको सॉल्व करिए तो dy by dx is equal to 1 by 2 constant है ही, इसको ऐसे चीज रहने देंगे और cos inverse x है, cos inverse x का minus 1 upon under root 1 minus x square और ये आंसर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4a y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1, तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो डायरेक्टली कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ है, बार बार वही चीज दिख रही है यहाँ पर, तो आप एक चीज याद रखें, जैसे अगर किसी को ये याद भी हो तो डायरेक्ट फार्मूला वैसे बन सकता है अगर 11th क्लास के हिसाब से देखें, तो अभी हमने बताया था कि यहाँ लेते हैं एक तो था 1 plus cos 2 theta का तो 2 cos square theta होता है, अभी अभी बताया था नेक्स्ट पर, ये अपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन आई, अगर आप यहाँ से 1 को हटा के उधर पक्षांतरण कर देते तो क्या आता है, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, है ना, ये हुआ था 1 plus cos 2 theta बराबर 2 cos square theta होता है, 1 का आपने पक्षांतरण किया cos 2 theta 2 cos square theta minus 1 हो जाएगा, तो देखिए कुछ ऐसा ही वो वहाँ पर बना हुआ है ना 2x square minus 1 और वहाँ पर क्या बना हुआ है 2 cos square theta minus 1, means क्या हुआ x की जगह पर क्या रखना चाहिए cos theta और हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं कि माना x बराबर cos theta ये हमने रख दिया तो आता है y is equal to sec inverse 1 upon 2
cos square theta minus 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट वॉल है पूरा। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, y is equal to sec inverse 1 upon cos 2 theta, ठीक है, ये बन गया cos 2 theta, cos 2 theta को ऊपर ले जाते हैं यानी इनका विलोम कर दिया जाता है तो हमें मिलता है sec 2 theta, ठीक, sec inverse से ये sec कैंसिल होगा और y is equal to 2 theta आ गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट सेम आ रहा है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर है x बराबर cos theta जो हम लेके चल रहे हैं, x बराबर cos theta, तो theta की वैल्यू क्या होगी, cos inverse x, cos को आप इधर का शब्दांतरण कर दें तो theta is equal to cos inverse x, ये वैल्यू यहाँ डाल दी तो y is equal to 2 cos inverse x, ये नंबर एक हो गया है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं तो dy by dx is equal to 2 constant है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन पूरा।